लास्ट वीक एक नया रियल एस्टेट स्कैम मेरे सामने आया और कोइंसिडेंटली एक ही हफ्ते में ये ऐसे दो लोगों के साथ हो गया जिनको मैं जानता था। तो मैंने सोचा ये सब क्या शेयर करना चाहिए ताकि ये स्कैम आपके साथ ना हो। तो आज मैं आपके साथ में इस स्कैम के दो अलग वर्जन शेयर करूँगा, प्लस ये भी बताऊँगा कि आप इसको अर्ली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने खुद थोड़ी सी R&D की और एक स्कैम सर के साथ में खुद फ़ोन पर बात की, तो मैं आज आपको वो कॉल भी सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये स्कैम शुरू कहाँ से हुआ। मेरे ऑफिस के बगल वाले ऑफिस में एक सज्जन काम करते हैं, वेरी स्मार्ट, हाईली एजुकेटेड। वो अभी रिसेंटली गुड़गांव शिफ्ट हुए थे और वो अकेले रहते हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में जिसका रेंट है 14,000 रुपये। उन्होंने सोचा कि अब मैं सेटल डाउन हो गया हूँ तो फैमिली को होम टाउन से यहाँ बुला लेता हूँ और एक 1 BHK में शिफ्ट कर जाता हूँ। तो जैसे सारे लोग करते हैं, ही वेंट टू अ प्रॉपर्टी पोर्टल और प्रॉपर्टी ढूंढना चालू किया एंड ही गॉट अ जैकपॉट। अपने ही ऑफिस के एकदम नज़दीक एक प्राइम लोकेशन में एक बहुत ही बढ़िया सोसाइटी, फुल्ली गेटेड विद सम स्मॉल लिटिल एमिनिटीज, उनको एक बढ़िया 1 BHK मिल गया 12,000 रुपये रेंट में, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। क्या क्या? बेड, अलमीराज, सोफ़ा, सेंटर टेबल, टीवी कैबिनेट, टीवी, डाइनिंग टेबल, AC, RO, गीज़र, सब कुछ सिर्फ 12,000 रुपये रेंट में। तो उन्होंने कॉल कर दिया ब्रोकर को। सामने से बंदा बोलता है, हाँ जी आपने जो भी देखा ये सब कुछ सही है और इस प्रॉपर्टी का रेंट सिर्फ 12,000 रुपये है और सारी दुनिया 1 महीने का रेंट चार्ज करती है, हमारी नई कंपनी है, हम ग्रोइंग हैं, तो हम आपसे सिर्फ 15 दिन का ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। तो उसने बोला, भाई बहुत सही है। नहीं सर, एक छोटा सा कैच है, ये सोसाइटी बहुत ही प्रीमियम है और इस वजह से यहाँ पे बहुत लोग रेंट पे घर देखने आते हैं, तो इसलिए सोसाइटी ने एक एंट्री फीस रखी हुई है 500 रुपये की, ताकि सिर्फ सीरियस बायर्स या सीरियस जो लोग हैं जो रेंट पे लेना चाहते हैं वही लोग इस सोसाइटी के अंदर एंटर करें। तो आपको मैं अपना PayTM नंबर भेज देता हूँ, आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं गेट पास बना लूँगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी और अगर आपने ये घर ले लिया तो ये 500 रुपये मैं आपकी ब्रोकरेज में से एडजस्ट कर दूँगा, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मेरे पास गुड़गांव में और 25-30 ऑप्शन है, मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा दूँगा, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। अब भाई इन जनाब को तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पसंद आ चुकी थी, ही गॉट सुपर एक्साइटेड। जैसे ही व्हाट्सएप पे नंबर आया इन्होंने 500 रुपये PayTM कर दिए। अगले दिन फिर बंदे को कॉल किया और पूछा, क्या हुआ, मेरा गेट पास रेडी हो गया? उसने, सर आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। सीनियर बोलते हैं कि सर ये सोसाइटी में ना 500 रुपये रखने के बावजूद भी बहुत लोग आए जा रहे हैं, इसलिए सोसाइटी ने इसको चेंज करके 2,500 रुपये कर दिया है, तो आप मेरे को ना और 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो और ये मैं आपको ना जैसे आप प्रॉपर्टी विजिट करने आओगे मैं उसी टाइम पे आपको कैश में ना ये पूरे 2,500 रुपये वापस कर दूंगा, आप कोई चिंता मत करो, ये ब्रोकरेज में भी एडजस्ट नहीं करेंगे, मैं कैश में आपको वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ ये कन्फर्मेशन चाहिए कि आप प्रॉपर्टी देखने आ रहे हो, आज मैं ये पैसे भर दूँ और आप कल ना आओ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज आप मेरे को ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो। दैट इज़ वेयर दिस गाय रियलाइज्ड कि भाई कुछ तो दाल में काला है। तो उन्होंने बोला, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब क्योंकि ले ये बिल्डिंग ऑफिस के नज़दीक थी, वो तुरंत चले गए बिल्डिंग के ऊपर। वहाँ पर जाके जब गार्ड से और सोसाइटी के मैनेजर से बात हुई तब पता चला कि पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 3 BHK और 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 1 BHK का कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। जिस फ्लोर के लिए बात हुई थी उस फ्लोर के ऊपर कोई घर ही अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर ही अंडरस्टूड कि भाई 500 रुपये डूब गए। बट उन्होंने फिर से उस बंदे को कॉल किया और बोला कि जी नहीं, मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो रहा है, मुझे घर अभी नहीं चाहिए, तो आप मेरा 500 रुपये मेरे रिफ़ंड कर दीजिए, आपने गेट पास तो बनाया नहीं है। तो बंदा बोलता है कि जी नहीं, ये 500 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं कर सकता, आप 2,000 रुपये पहले ट्रांसफ़र करो, आप प्रॉपर्टी विजिट करने आओ, उसके बाद में आपको कैश में 2,500 रुपये पूरे वापस करूँगा, ऐसे 500 रुपये वापस नहीं करूँगा। ही रियलाइज़ कि भाई इससे बहस करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। ही केम बैक टू ऑफिस और उन्होंने मुझे आके ये पूरा किस्सा बताया। जब मैंने वापस से उस नंबर पे कॉल किया तब तक वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। बट देन आई डिसाइडेड कि चलो थोड़ी सी R&D करते हैं, तो मैं खुद प्रॉपर्टी पोर्टल लेके बैठ गया और खुद प्रॉपर्टी ढूंढना चालू की, एंड देन आई गॉट अ जैकपॉट। और फिर मैंने उसको कॉल किया और इनफैक्ट मैं क्यों बताऊँ ये पूरी बात, अब वो कॉल ही सुन लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। हेलो हेलो, हाँ जी जी बेटा, आपका मिस कॉल आया हुआ था। अंकल आपका कोई घर है एक्चुअली DLF में जो रेंट के लिए है, क्योंकि अब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा घर देखा था, एक्चुअली मैं काफी लोग को फोन लगा रहा था, कोई रेंट के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है गुड़गांव में? हाँ मैं बेटा
बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, अपार्टमेंट से। अच्छा अंकल, तो ये 1 BHK है राइट? राइट। और ये पूरा फर्नीचर के साथ मिल रहा है अंदर, इसमें फर्निश्ड भी है ये? हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आवाज आ रहा? हाँ जी, हाँ जी अभी आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो ये सर बता रहे थे अभी अपार्टमेंट में इनका 1 BHK है, तो मैं पूछ रहा था ये फर्निश्ड है साथ में इसके? जी, अपना बेटा फुली फर्निश्ड है। ये फुली फर्निश्ड है। और इसका क्या रेंट होगा इसका अभी? रेंट इसका बेटा 10,000 है और डिपॉजिट भी 10,000 है। हाँ अच्छा, और कब देख सकते हैं इसको, कैसे देख सकते आप हैं? बताइए, आपके पास में कब टाइम है बेटा? सर मैं तो ये संडे को आ सकता हूँ। संडे को? हाँ जी तो फ्राइडे है बेटा, हाँ अभी जी तो कल का दिन है, अभी तो तकरीबन 48 आवर्स है, ये है लगभग, ये समझ लीजिए। आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आप कल नहीं आ सकते हो क्या? क्या हुआ अंकल, कुछ बात हुई क्या कहीं पे किसी को रेंट आउट करने की? एक्चुअली ना देखो बेटा, मेरा ना एक दो बच्चों से भी बात चल रही है, तो हाँ जी उन्होंने बोला है कि अंकल मैं आपको अपना फैमिली से, सभी बच्चे अपनी फैमिली से ही बात करते हैं, तो करेक्ट। उन्होंने बोला है कि अंकल हम अपना फैमिली से थोड़ा बात करके तो आपको टोकन अमाउंट जमा करा देते हैं, हम रूम को बुक कर लेते हैं। ओके अच्छा हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको बुक कर लीजिए बेटा, मैं आपका संडे तक होल्ड पर कर देता हूँ। अच्छा तो अंकल ये बुकिंग के लिए क्या करना होगा फिर अभी? हाँ मैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना कोई भी एक आईडी डाल दीजिए बेटा, मैं आपको ऑफिस का बैंक डिटेल डाल देता हूँ, और आप कुछ भी टोकन अमाउंट जमा करा दीजिए, मैं आपको तुरंत स्लिप बना करके डाल देता हूँ। कितना अमाउंट? जितना भी आप कर सकते हो बेटा, वो तो आपके पीछे डिपेंड रहता है, वो आपका टोटल रिफंडेबल होगा। अच्छा ओके, मतलब अगर मैं कल आऊं और मेरे को घर पसंद नहीं आया तो ये रिफंड हो जाएगा? जी जी बेटा, ये आपका रिफंड हो जाएगा, अगर आपको रूम पसंद आता है तो वो आपका रेंट में माइनस हो जाएगा। अच्छा, और ये आप ओनर हैं इस घर के? हाँ, लेकिन मैं आपकी डायरेक्टली ओनर बात कर रहा हूँ। ओके अच्छा ठीक है सर, आप मेरे को जरा आपका डिटेल भिजवा दीजिए एक बार, और फिर मैं एक बार घर पे बात करके आपको, फिर घर पे भी फोटो दिखा के आपको ट्रांसफर कर देता हूँ अमाउंट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए बेटा मैं आपको क्या डिटेल्स डाल सकता हूँ। ये घर का आप मतलब क्या अमाउंट है और क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अंदर, और कुछ फोटोज अगर आप भेज सकते हैं मेरे को? हाँ कोई इशू नहीं बेटा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर हाई लिख करके डाल दीजिए। रेंट इसका 10,000 है और डिपॉजिट भी 10,000 है। ठीक है, मैं आपको हाई करके डाल देता हूँ, मेरे को फोटोज और ये डिटेल्स भेज दीजिए, तो मैं घर पे एक बार बात करके मैं आपको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मेरे कॉल रखते ही 2 मिनट में उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, जिसमें हाय के साथ में उनकी सारी प्रॉपर्टी की फोटोज थी, प्लस उनका पेटीएम नंबर था, प्लस स्कैन कोड था। इमिडिएटली दोबारा कॉल आया कि आप पेमेंट कब तक करने वाले हैं। ये कॉल ख़त्म करते ही मैं सोसाइटी ऑफिस पहुंच गया, वहां जाके पता चला कि इस पूरी सोसाइटी में सिर्फ 3 BHK एंड 4 BHK के यूनिट्स हैं, 1 BHK का कोई यूनिट ही नहीं है, ना ही उस नाम का कोई ओनर उस पूरी सोसाइटी में रहता है। अब पर्पसली मैं उस सोसाइटी का नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, ताकि वहाँ के रेसिडेंट्स में कोई पैनिक क्रिएट ना हो, और ताकि वहाँ के रेंटल और रीसेल वैल्यू में कोई इफेक्ट ना आए। हाँ अभी ये दोनों स्कैम जो हुए हैं, ये हमारे सामने जो आए हैं, ये ऑफकोर्स रेंटल स्पेस में आए, बट आई एम वेरी श्योर कि ये रीसेल प्रॉपर्टी जो आप परचेस कर रहे हो उसमें भी हो रहे होंगे, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्कैम, तो पहले वाले केस के अंदर वो ब्रोकर बने थे, दूसरे वाले केस के अंदर वो ओनर बने थे। मेरे हिसाब से ये ओनर वाला थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि सुनने में ऑथेंटिक लगता है। अब आप इस स्कैम को इमिडिएटली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? 4 तरीके हैं। सबसे पहला कि जो भी अपार्टमेंट होगा ये किसी अच्छी गेटेड सोसाइटी में प्राइम लोकेशन पे होगा, जिसमें एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, जो इमेजेस ये आपको भेजेंगे वो ऐसी होंगी कि देखते ही आप बोलोगे कि मैं तो इसी घर में रहूँगा। तीसरा, इसका प्राइस अनरियलिस्टिकली लो होगा, आप देखते ही बोलोगे भाई ये घर तो इतना सस्ते में है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स लालच में ही तो लोग फंसते हैं। चौथा, वो आपको पुश करेंगे कि आप घर विजिट करने के पहले कुछ तो अमाउंट उनको पे कर दो। ये एक सिंपल सा मोडस ऑपरेंडी है, राइट? और आई एम श्योर ये फिलहाल गुड़गांव में है, बट ये पैन इंडिया अभी तक हो चुका होगा या फिर पहुंच जाएगा। अब ये कौन से प्लेटफॉर्म पे या कौन सी प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे हो रहा है,
तो हमारे सामने नो ब्रोकर और 19 acre दोनों में ही हो रहा है, उसके अलावा भी आई एम श्योर कि बाकी सब में भी हो रहा होगा, मैंने इतना R&D नहीं किया। और एटलीस्ट लेकिन एक बात है कि 19 acre ने इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप तो लिया है। आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको क्लियरली एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, फ्रॉड अलर्ट, कि आप किसी को भी प्रॉपर्टी देखने के लिए पैसे पे मत करो, राइट? ये बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि 19 acre ने इसको इमिडिएटली एड्रेस किया है। और एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कभी भी आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो कोई सोसाइटी आपसे एंट्री की फीस नहीं लेती। सोसाइटीज़ ब्रोकर्स को ज़रूर इम्पैनल करती हैं और उनसे चार्जेस लेती हैं कि उस सोसाइटी में सिर्फ यही 2 या 3 ब्रोकर्स आके घर दिखा सकते हैं और उनसे ज़रूर पैसे लिए जाएंगे, लेकिन आपसे घर को एंट्री करने के लिए या प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कोई कभी पैसे नहीं लेता। अगर कोई मांगेगा तो ये क्लियरली एक फ्रॉड है, किसी को कभी पैसे मत दो घर देखने के लिए, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इंटायर स्कैम। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए, नहीं सुना था, नई चीज़ पता चली है तो भी कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आप किसी और अलग रियल एस्टेट स्कैम के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उस पर भी कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ भी शेयर कीजिए, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ताकि बाकी सब लोग भी सेफ हो सके, ताकि किसी और के साथ में ये स्कैम ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज दोनों चीज़ें चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन।